नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। समंदर के बीच एनसीबी ने मुंबई में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुंबई से गोवा के लिए निकले क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी में रेड की गई। 7 से 8 लोगों को एनसीबी में हिरासत में लिया गया। हशीश, एमडी और कोकीन की बड़ी खेप क्रूज से बरामद की गई। देर रात एनसीबी की टीम मुंबई दफ्तर पहुंची। हालांकि हिरासत में लिए गए 2 लोगों को दफ्तर पहुंचने के बाद छोड़ दिया गया और सूत्र तो ये जानकारी दे रहे हैं कि पकड़े गए लोगों में एक बॉलीवुड स्टार का बेटा भी शामिल है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्रूज पर दरअसल ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी। छापा पड़ने के बाद 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे आगे की पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 लोग जो कल ही हिरासत में लिए गए थे, एनसीबी ने उन्हें छोड़ दिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और पकड़े गए लोगों में जो खबर आ रही है, बॉलीवुड स्टार का बेटा भी उसमें शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दी। समंदर के बीच एनसीबी का ये बड़ा ऑपरेशन चला, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। काफी मात्रा में कोकेन ड्रग्स बरामद हुए हैं। क्रूज पर दरअसल ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी और बड़ी खबर तो ये है कि बॉलीवुड स्टार का बेटा भी इसमें शामिल था। अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ उनसे हो रही है। देर रात 2 लोगों को एनसीबी ने छोड़ दिया था। ड्रग्स पार्टी से जब्त की गई नशे की खेप और हिरासत के लिए लिए गए लोगों को लेकर एनसीबी टीम देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंची और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख दे रहे हैं। शनिवार के दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियाँ इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला क्रूज था। 400 से 500 लोगों की ये शिकायत थी कि उन्हें बोर्डिंग पास नहीं मिला, जिसके चलते वो क्रूज में नहीं जा पाए। एनसीबी के सामने बड़े सवाल ये है कि किस तरह से ड्रग्स क्रूज के अंदर तक पहुंचे और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये ड्रग्स सप्लाई किया था। तकरीबन 1 साल से एनसीबी की बड़ी कार्रवाई मुंबई में चल रही है और इस बार हाई सोसाइटी में ड्रग्स का जो यूज है उसको एनसीबी ने एक्सपोज किया है। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर और एजाज खान के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स पार्टी से 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, नशे की खेप बरामद हुई। क्या कुछ कहा एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने, जरा वो सुनिए। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है बूम नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना, इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर आईपीएस लोगों को टारगेट कर ले, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में। प्लीज, हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और के ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड सर, कितने लोगों को तावीम लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सर, सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। मुस्तफा, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड का एक स्टार है, उसका बेटा भी इस क्रूज में था। ये पार्टी कब से चल रही थी? क्या कोई लोग अब गिरफ्तार भी हुए? क्योंकि 7 से 8 लोग जरूर हिरासत में लिए गए थे। जी बिल्कुल, ये क्रूज एक तरह से अरेबियन सी में ही रहने वाला था और 1 से 2 दिन का टूर था, लेकिन उससे पहले ही 20 ऑफिसर्स ने एनसीबी मुंबई यूनिट के उस क्रूज पर पहुंचकर रेड की और वहां पर ड्रग्स पाए गए। ड्रग्स जिन टेबल पर पाए गए, जिन लोगों की पोजीशन में पाए गए, उन लोगों को डिटेन किया गया है और उन लोगों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया। इस वक्त हम एनसीबी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां पर उन लोगों से पूछताछ चल रही है। जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, वो कुछ घंटों पहले ही देर रात को इस ऑफिस से निकले हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि अभी तक किसी शख्स को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। देखना यह है कि ड्रग्स के मिले जाने के बाद केस तो बनता है, उसके बाद अरेस्ट भी होगी। अब देखना यह है कि किन किन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जिस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बेटे का नाम सामने आ रहा है, क्या उसे भी अरेस्ट किया जाता है? और कई नाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से किस किस को अरेस्ट किया जाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक तरह से जिस तरीके के लोग यहाँ इस समय डिटेंशन में हैं एनसीबी की, ये माना जा सकता है कि एक हाई प्रोफाइल क्रूज पे ये पार्टी थी और उस
पार्टी में ड्रग का जो है वो बस्ट एनसीबी ने किया है और ड्रग्स सीज किए हैं, रेड हैंडेड लोगों को पकड़ा भी है। मुस्तफा, जो बॉलीवुड स्टार का बेटा है, क्या पता चल पाया है कौन से बॉलीवुड स्टार का वो बेटा है? अभी तक कोई जानकारी इस दिशा पे? फिलहाल एनसीबी का ये कहना है कि वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, इसलिए ज़्यादा जानकारी वो देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ जो लोग इस केस में अभी तक लाए गए हैं पूछताछ के लिए, उनका नाम और आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा रही है इस वक्त। और एनसीबी का यही कहना है कि कुछ घंटों में ज़्यादा क्लैरिटी होगी और उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ड्रग्स बरामद किए गए हैं। अगर लोगों को अरेस्ट दिखाया जाता है तो उन्हें आज ही दोपहर तक जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, NDPS कोर्ट है, वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां पर उनकी पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। मुस्तफा, क्योंकि देखिए 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए थे, फिर ये जानकारी मिली कि 2 लोगों को वहां से छोड़ दिया गया, वो कौन से 2 लोग थे? क्या उसमें बॉलीवुड स्टार का वो बेटा भी था? नहीं, बॉलीवुड स्टार का बेटा उन लोगों में नहीं था जिन्हें छोड़ा गया है। 2 युवा इसी ऑफिस के से रात में निकलते हुए दिखे, और क्योंकि हम उस टर्मिनल गेट पर थे जहां से ये क्रूज निकलने वाला था, तो कई लोग ज़्यादातर जो युवा थे वो वहां से बाहर निकल रहे थे। तो उसमें 2 लोग थे जिन्हें लाया गया था NCB के दफ्तर, उनके पास अपना बैग था, उससे पता चल रहा था कि वो क्रूज पर रहने के लिए आए हुए थे। उन्हें NCB के दफ्तर लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब क्या पूरा मामला था, क्यों उन्हें छोड़ दिया गया, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही उन लोगों ने बातचीत की जब वो NCB से निकल रहे थे। लेकिन 10 से 12 लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उन सभी लोगों से पूछताछ शुरू है और अगर उन्हें अरेस्ट दिखाया जाता है, केस दर्ज होता है, तो उन्हें मेडिकल के लिए पहले ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। मुस्तफा, जरा एंटरटेनमेंट प्लान क्या था वो जरा पूरा बताइए। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल पाई है वो क्रूज लाइनर जो है यहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपया पर सीट लोगों से चार्ज किया गया था, और ये क्रूज 2 दिनों तक अरेबियन सी में रहने वाला था। मुंबई से निकलने के बाद समुद्री तट पर रहने वाला था और वहाँ पर कई इंटरनेशनल लेवल नेशनल रिनाउंड DJs जो है वो बुलाए गए थे, यानी कि म्यूज़िक पार्टी जो है वो होनी थी। उसके बीच NCB को ये टिप ऑफ लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्रग्स अब्यूज़ होने वाला है। उनका कहना है कि कई कोड लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, उस कोड लैंग्वेज से उन्हें पता लगा, जो लोग चैट कर रहे थे एक दूसरे से, उसमें ये उन्हें आशंका हुई कि ड्रग्स अब्यूज़ हो सकता है, और इसीलिए 20 ऑफिसर की जो टीम है NCB की वो भी क्रूज पर पहुंची, उसी वक्त पहुंची जब ये क्रूज निकलने वाला था। उसके बाद जब रेड किया गया तो वहां से ड्रग्स जो है वो बरामद किए गए, और अलग अलग तरीके के ड्रग्स बरामद किए गए। उसके बाद ये नामचीन लोगों के पकड़े जाने की, डिटेंशन में जाने की बात सामने आई। NCB ने पूरे जो शिप है उसका जायजा लिया, उसके बाद इन लोगों को NCB के दफ्तर लाया गया। जो क्रूज है वो क्रूज अभी भी वहीं पर टर्मिनल पर खड़ा हुआ है, वहां से आगे नहीं बढ़ा है। अब वो देखना होगा कि और भी क्या उसमें लोग हैं, आरोपी हैं, जिन्हें वहाँ पर रखा गया है, जिनसे पूछताछ वहीं पर की जा रही है। क्योंकि अगर महिला कोई आरोपी होती है तो उसे रात में अरेस्ट करना या रात में पुलिस स्टेशन लाना, एजेंसी के पास लाना अलाउड नहीं होता है, तो उनसे शायद क्रूज पर ही पूछताछ की जा रही हो, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो क्रूज तो अभी भी मुंबई के तट पर है, और बाकी के जो 10 से 12 लोग हैं जिन्हें NCB ने पूछताछ के लिए दफ्तर में लाया था, वो अभी भी दफ्तर में मौजूद है। अब देखना ये होगा कि आगे की NCB की कार्रवाई क्या होती है, इस पूरे मामले में क्या केस रजिस्टर कर लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है क्या। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और रही जरा साथ। देखिए, मुंबई में NCB ने एक बड़े सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, समंदर में क्रूज पर चल रही हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी पर NCB ने छापा मारकर भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की। सूत्र ये बता रहे हैं कि NCB ने बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बेटे को भी हिरासत में लिया। NCB के मुताबिक 7 से 8 लोग हिरासत में लिए गए। समंदर में NCB का ये पहला और बड़ा ऑपरेशन है। We'll be right back.
समंदर की लहरों पर गोते खाता जहाज और उस जहाज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका सुरूर उस पार्टी में मौजूद हर शख्स के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस पार्टी में मौज मस्ती और सुरूर के लिए सब कुछ मौजूद था। जी हाँ, सब कुछ, क्योंकि ये एक ड्रग्स पार्टी थी। कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का ये वही शिप है जिस पर एनसीबी की टीम ने एक बड़े सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। जांच एजेंसी को खबर मिली कि मुंबई से गोवा जाने वाले शिप में ड्रग पार्टी प्लान की गई। खबर मिलते ही एनसीबी हरकत में आई और कुछ अधिकारी यात्री बनकर शिप में सवार हो गए। जैसे ही शिप समंदर के बीच पहुंचा, ड्रग्स पार्टी शुरू हुई। इस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन हो रहा था। खबर पुख्ता होते ही एनसीबी हरकत में आई और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शनिवार के दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियां इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक एनसीबी ने एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे को हिरासत में लिया है। इसके अलावा 7 से 8 अन्य लोग भी जांच एजेंसी के शिकंजे में हैं। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने, चलो, और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना, इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी, प्लीज। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और कि ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, आई विल प्रॉपरली इशू एंड। सर, कितने लोग तावीज लिए गए? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। एनसीबी ने पहली बार शिप पर किसी ड्रग्स पार्टी का पर्दाफाश किया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस शिप की ओपनिंग हुई। शिप पर सवार होने के लिए एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टिकट खरीदा लेकिन शिप पर सवार नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस ड्रग्स पार्टी को लेकर ऑर्गेनाइजर्स भी शक के घेरे में हैं। इस ड्रग्स पार्टी से एनसीबी ने भारी मात्रा में हशीश, कोकीन और एमडी बरामद किया है। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। यानी मुस्तफा, देखिए कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, एक बड़ा यहाँ पर ड्रग्स भी बरामद हुआ है, रैकेट बरामद हुआ है एक तरीके से कहें। कितनी ड्रग्स हाथ लगी है, कोई और जानकारी अभी अगर टीम की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से दी गई हो? जी बिल्कुल, जितनी जानकारी हमें मिल रही है, ड्रग्स जो है उसे वेट करने का, कैलकुलेट करने का काम जो है वो शुरू है। कई बार एनसीबी का ये कहना होता है कि कोई पाउडर जो होता है वो ड्रग्स है या नहीं, इसमें भी डिटर्मिनेशन में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है ड्रग्स की वो सामने नहीं आई है। लेकिन प्राइमा फेसी जो रिकवरी हुई है उससे ऐसा लगता है नार्कोटिक्स कंजम्पशन का केस बन रहा था उन लोगों पर जो क्रूज पर मौजूद थे, और उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया। इसके बाद पहले तो ये चीज डिटरमाइन किया जाएगा कि उस ड्रग का ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके बाद जो शख्स के साथ ये ड्रग्स मिले हैं उससे ये पता किया जाएगा कि कैसे ये ड्रग्स उसने खरीदे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जब आप क्रूज पर जाते हैं, CISF आपको पूरी तरह से स्क्रीन करता है, चेकिंग करता है, उसके बावजूद वो ड्रग्स तक लोग जो थे वो ड्रग्स को क्रूज तक ले जाने में कैसे कामयाब हुए, ये सारे बड़े सवाल इस वक्त जो है एनसीबी के सामने हैं और उसी की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसीलिए जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, समीर वानखेड़े, उनका कहना है कि इस वक्त प्रीमेच्योर होगा कुछ भी कहना, ऑफिशियल डिटेल देना। लेकिन जितनी एनसीबी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अब तक की एनसीबी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसमें सिर्फ ड्रग्स ही नहीं पकड़ा गया है, ड्रग्स अब्यूज़ करने वाले हाई सोसाइटी के जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, वो भी एक ऐसे क्रूज लाइनर से जहां पर एक शख्स की जो टिकट है वो 1,00,000 रुपया थी। तो ये सारी जो जानकारी सामने आ रही है इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये केस एक बहुत बड़ा कार्रवाई। बिल्कुल, मुस्तफा देखिए जो लोग हिरासत में लिए गए
हैं, क्या उन्हें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मुस्तफा आप रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप देखते रहिए आज तक।